अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है। हमेशा की तरह मेरी कोशिश होती है कि मैं आप लोगों के लिए बोया का जैसे कोई न्यू मॉडल आए माइक का, मैं आप लोगों के लिए वो लेके आऊँ और उसकी जो है अनबॉक्सिंग करूँ और बताऊँ उसके फीचर क्या है, उसकी बैटरी टाइमिंग क्या है। तो मेरी हमेशा यही कोशिश होती है, सबसे पहले जो है मैं आप लोगों को उसकी वीडियो शेयर करूँ। तो आज फिर मैं इसी तरह से आप लोगों के लिए एक नया बोया का मॉडल लेके आया हूँ, जिसका नाम है बोया BYWM3T2M2। इसकी अब हम अनबॉक्सिंग भी करेंगे, इसके फीचर के हवाले से भी बात करेंगे और इसमें नॉइज रिडक्शन है या नहीं इस हवाले से भी बात करेंगे। ये कंप्लीट रिव्यू आज आपको, और ये माइक मैं आपको बकायदा यूज करके भी दिखाऊंगा और आप लोगों को इसका डायमीटर भी बताऊंगा, इसकी रेंज कितनी है, सब इसके जितने भी फीचर्स हैं सब जो है हम इस वीडियो में रिव्यू करेंगे इन सब फीचर्स का। तो चलिए जल्दी से हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम जाया किए। जी तो ये है वो माइक बोया का BYWM3T2M1 मैं कहने लगा था, लेकिन M2 है ये माइक। और इसके साथ बोया जो है हमें 2 years की वारंटी प्रोवाइड करता है। आप लोगों को मैं दिखा दूं वीडियो में, गौर से देखिएगा, बोया इसमें 2 years की हमें वारंटी प्रोवाइड कर रहा है ऑफिशियल। और इसके ऊपर जो है हमें मेंशन किया गया है कि इसमें 50 मीटर जो है रेंज है। और ये माइक जो है 3.5 mm TRS जैक के साथ है। ये वायरलेस माइक्रोफोन्स हैं और इन्हें जो है हम अपने मोबाइल के साथ यूज़ कर सकते हैं, अपने कैमरास के साथ यूज़ कर सकते हैं, और जितने भी DSLR कैमरा है, चाहे वो सोनी है, नाइकॉन है, कैनन है, जिनमें अगर माइक की ऑप्शन है तो हम इसे जो है उनके साथ यूज़ कर सकते हैं। तो इसकी हम अनबॉक्सिंग भी करेंगे। तो ये माइक एक तो ब्रांड का है और इसकी साउंड क्वालिटी तो आपको पता होगा, फिर बोया है आफ्टर ऑल एक ब्रांड है। तो इसके साथ वो हमें 2 years की वारंटी प्रोवाइड कर रहे हैं। और आपको मज़ीद इसके फीचर्स के हवाले से मैं बताता चलूँ, जो इसके बॉक्स पे कंपनी ने खुद मेंशन किया है, 50 meters जो है इसकी भाई रेंज है। और उसके बाद इसमें हमें 2 जो है ट्रांसमीटर मिलते हैं, एक रिसीवर मिलता है। और देख अगर हम बात करें इसकी बैक साइड की, तो बैक पे मैं आपको दिखा दूं और आपको रीड करके भी दिखा देता हूं कि बोया हमें क्या कह रहा है। बोया इसमें बता रहा है जी, इसका जो साउंड पिकअप है वो ओमनी डायरेक्शन है और इसकी जो बैटरी लाइफ है वो 10 hours है, टाइप सी इसकी चार्जिंग है। और इसके अलावा जी 50 meters इसकी रेंज है, वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। तो अगर इसकी यहाँ पे नीचे वाली साइड पे देखें तो बोया यहाँ पे अपने सीरियल जो है प्रोवाइड कर रहा है, जैसे कि बोया M1 पे हमें बारकोड मिलता था, एक सीरियल मिलता था जिसे जो है हम बोया की वेबसाइट पे स्कैन करते थे और कंफर्म करते थे कि ये माइक ओरिजिनल है या नहीं। तो यहाँ पे नीचे जो है बोया हमें वो एक सीरियल जो है यूनिक किस्म का कोड जो है वो हमें प्रोवाइड कर रहा है। और साथ में मैं आपको साइड में ये भी दिखा दूं कि बोया की एक ऐप है, बोया साउंड ऐप, तो वो यहाँ पे इसका QR कोड दे रहे हैं ताकि हम इसे स्कैन करके उस ऐप को डाउनलोड करें। इस ऐप का एक अच्छा फीचर ये है कि ये ऐप हमें ये भी बताती है कि जब हम किसी भी माइक को उस ऐप से अपने मोबाइल से कनेक्ट करते हैं, जब हम उस ऐप को ओपन करते हैं, तो वो ऐप जो है हमें बताती है कि आप इस वक्त कौन सा बोया का माइक जो है वो यूज़ कर रहे हैं। ये भी बहुत अच्छा फीचर है। तो चलिए जल्दी से अब हम इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं इनमें हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, और साथ में जो है हम इसका साउंड भी चेक करेंगे, इसकी ऑडियो क्वालिटी कैसी है। अभी जो है हम जो माइक यूज़ कर रहे हैं वो बोया M1 माइक है, जो कि अभी मेरे कॉलर पे आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। अभी जो है मैं बोया M1 का माइक जो है वो यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन अभी हम जो है बोया का ये वायरलेस माइक्रोफोन जो है WM3T2M2 जो है हम अभी इसे यूज़ करेंगे। जी तो अभी जो मेरे पास माइक मैं यूज़ कर रहा हूँ वो है बोया का BYWM3T2M2। तो आप लोग इसका साउंड सुन रहे होंगे, तो अभी साउंड में मैंने किसी किस्म की कोई एडिटिंग नहीं की और इस वीडियो में मैं आपको जो साउंड जो भी होगा, चाहे वो बोया M1 का होगा या इस माइक का होगा, वायरलेस माइक्रोफोन का होगा, वो सेम आपको ओरिजिनल साउंड के साथ ही आपको वीडियो मिलेगी। तो आप जो है इस वीडियो के थ्रू जो है आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि इस माइक का साउंड और बोया M1 के साउंड में क्या फर्क है। मजीद इसके एक और फीचर के हवाले से मैं आपको बताता चलूं कि बोया इसमें हमें नॉइज रिडक्शन की ऑप्शन भी दे रहा है, कि इसमें नॉइज कैंसिलेशन की ऑप्शन भी है। वो कैसे, वो मैं आपको अनबॉक्सिंग के दौरान जो है आपको वो भी दिखाऊंगा कि इसमें नॉइज कैंसिलेशन कैसे की जाती है।
लेकिन फिलहाल मैं आपको नॉइस कैंसिलेशन पे माइक करके इसकी ऑडियो क्वालिटी जो है वो चेक करवा देता हूँ। जी तो अभी हम जो माइक यूज कर रहे हैं ये बोया का BYWM3T2M2 जो है वो इस वक्त नॉइस कैंसिलेशन मोड पे है, तो आप लोग इसकी ऑडियो भी सुन रहे होंगे कि इसकी ऑडियो कैसी है, इसमें कितनी वो कैंसिलेशन बोया प्रोवाइड कर रहा है, इसका फैसला आप लोगों ने करना है कि ये माइक की इस माइक की कैंसिलेशन इसमें है भी या नहीं। मेरा काम था कि आप लोगों के लिए अनबॉक्सिंग करना, इसके फीचर्स के हवाले से बताना और इसकी ऑडियो क्वालिटी जो है वो टेस्ट करवाना। इसके आगे फैसला आपने करना है कि आप लोगों के लिए ये माइक बेस्ट है या नहीं। अलबत्ता मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि जो लोग वीलॉग करते हैं या किसी का इंटरव्यू ले रहे हैं तो उनके लिए ये माइक बेस्ट है, क्योंकि इसमें जो है नॉइज़ कैंसिलेशन मिल जाता है। जबकि बोया के दूसरे काफ़ी सारे माइक्स हैं जिनमें काफ़ी एक्सपेंसिव भी हैं लेकिन उनमें हमें नॉइज़ कैंसिलेशन की ऑप्शन नहीं मिलती, तो ये भी बहुत अच्छा फीचर है इन माइक्स का। और अगर बात करें इनकी प्राइस की तो इनकी प्राइस भी ठीक ठाक है, लेकिन इतनी भी ज़्यादा नहीं है जो लोग इतने महंगे महंगे एक्सपेंसिव माइक्स बाय करते हैं, 40,000-35,000 इससे अबव भी लोग बाय करते हैं पाकिस्तानी रुपीज़ में, तो ये माइक जो है ये तकरीबन 17,000-15,000 यहाँ तक आ जाता है राउंड बाउंड। और ये इस माइक की क्वालिटी जो है ऑडियो की वो आप लोग इस वक्त सुन सकते हैं। तो अब जो है हम इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। जी तो व्यूअर्स अभी जो है मैं जो माइक यूज़ कर रहा हूँ वो जो है बोया का BYM1 माइक जो है अभी वो मैं यूज़ कर रहा हूँ। अब जो है हम इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं बोया BYWM3T2M2 की और देखते हैं कि हमें इसके बॉक्स में क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं और क्या क्या एक्सेसरी जो है इसके साथ हमें मिलती है। तो चलिए जल्दी से हम इसकी जो है वो अनबॉक्सिंग करते हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल जो है आप देखें इसके ऊपर हमें 2 ईयर्स की वारंटी बोया प्रोवाइड कर रहा है। अगर बैक साइड पर जाएँ तो इसकी सारी डिस्क्रिप्शन वगैरह है, यहाँ पर बोया साउंड ऐप है। एंड इसके बाद जी इसकी हम अनबॉक्सिंग करते हैं जल्दी से। तो जी तो ये जो है अब हमारे पास इसकी कंप्लीट जो है वो एक्सेसरी भी आ चुकी है, जिसमें इसकी 2 टाइप सी चार्जिंग केबल्स आ जाती हैं इनको चार्ज करने के लिए। ये इसकी एक पूरी बुकलेट है जिसमें एक वारंटी कार्ड है, बोया का स्टिकर है और बोया की एक मैनुअल जो है वो भी इसमें है। और उसके बाद ये आगे हमारी जी मेन प्रोडक्ट मेन कंटेंट जो है हमारे पास ये है। और इसमें जो है बल्कि हमें 3 वायर्स मिलती हैं, मैंने आपको जो है वो 2 वायर्स दिखाई, इसमें हमें 3 जो है चार्जिंग केबल्स मिल जाती हैं। उसके बाद जी ये है हमारी मेन खूबसूरत ब्यूटीफुल प्रोडक्ट, इसके ऊपर जो है बोया ने अपने लोगो जो है वो भी प्रिंट किए हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं। अच्छा जी अब ये हमारे पास माइक है, ये हमारे मोबाइल को जो है लगेगा, ये इसे कहते हैं 3.5 mm जो है TRS जैक है, इसे हम एक बार प्रेस किए रखेंगे ठीक है। उसके बाद ये जो है ब्लिंकिंग ब्लू एंड रेड लाइट जो है ब्लिंकिंग स्टार्ट हो जाएगी एंड इसे जो है अब हम टेबल पे रखते हैं। उसके बाद जो है हम एक और ट्रांसमीटर को उठाते हैं, अब हम इसे एंड अब जो है हम इसे प्रेस एंड होल्ड करेंगे, देन जो है ये भी ऑन हुआ और देखें विद इन अ सेकेंड जो है इनकी फौरी पेयरिंग हो गई। इसे मैं दोबारा ऑफ करता हूँ एंड आप देखें नीचे वाला माइक जो है दोबारा से ब्लिंकिंग करना शुरू हो गया। मैं इसे दोबारा से ऑन करता हूँ एंड देखें विद इन अ सेकेंड जो है इनकी इतनी फास्ट जो है पेयरिंग हो जाती है, ऑटो पेयरिंग है। यहाँ पर जो है एक QR कोड मिल जाता है बोया का ठीक है, इस वक्त ये माइक जो है आपस में पेयर हो चुके हैं ठीक है। और साथ में दूसरा जो है हमें मिल रहा है जो ट्रांसमीटर वो भी सेम चीज़ है, ये 2 लोगों के यूज़ के लिए है जी। उसके बाद जो है यहाँ पे इसका ऊपर जो है ये माइक आ जाता है, इसके साथ हमें जो है 2 विंडशील्ड भी मिल रहे हैं जो कि माइक के ऊपर इस तरह से जो है लग जाते हैं एंड देन जो है हम इसे अपने कॉलर पे जो है अटैच कर सकते हैं। ये देखिए एक बहुत ही खूबसूरत सा क्लिप भी दिया हुआ है और ये जो है चार्जिंग पोर्ट है, यहाँ से हम इसे चार्ज कर सकते हैं एंड इसमें भी हमें एक चार्जिंग पोर्ट दी हुई है। ये इसे चार्ज करने के लिए नहीं दी हुई बल्कि इसे तो चार्जिंग की ज़रूरत ही नहीं होती। अगर आप बाज़ात अपने मोबाइल को अपने मोबाइल के साथ माइक को कनेक्ट किया हुआ है एंड आपके मोबाइल की बैटरी जो है वो लो हो चुकी है, देन आप यहाँ पर जो है एक चार्जिंग पोर्ट में इस पोर्ट में जो है अपना चार्जर जो है वो लगाएंगे एंड देन अपने मोबाइल को जो है आप लोग चार्ज कर सकते हैं जी। तो अब आप लोगों ने ये फैसला करना है कि इस माइक में कितनी नॉइस कैंसिलेशन है, इसकी कितनी ऑडियो क्वालिटी बेस्ट है या नहीं, इस चीज़ का फैसला आप लोगों ने करना है, क्योंकि ये माइक आप लोगों ने अभी यूज़ करना है और मैंने भी, मैं तो ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन आप लोगों ने अब इस चीज़ का फैसला करना है। अगर आप लोग इस माइक को
बाय करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी मिल जाएगा और वीडियो में आपको व्हाट्सएप का नंबर भी मिल जाएगा, तो आप लोग जो है उसके थ्रू हमसे कॉन्टैक्ट करके इससे जो है मंगवा सकते हैं, बाय कर सकते हैं। और इसके साथ जो है आपको बोया की तरफ से 2 ईयर्स की वारंटी भी ऑफिशियल वो भी प्रोवाइड की जाएगी। उम्मीद है कि आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट लाजमी कर लीजिएगा। अगर आपको इस माइक के हवाले से कोई और क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि आपके कमेंट्स का जो है मैं आंसर कर सकूं। आप मुझे इजाज़त दीजिए, मिलेंगे नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।